बिजनौर में वाहन चोरी व लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए व कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान के दौरान नूरपुर में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में मुखबिर की सूचना पर सोहारा रोड पर मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चारों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी है जो कि घटना को अंजाम देने के लिए रस्सी का सहारा लेते थे। रस्सी के जरिए मोटरसाइकिल सवार को गिरा देते और फिर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। ऐसी ही कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस और नकदी भी बरामद हुई है। चार हमारे यहाँ अच्छे लुटेरे पकड़े गए हैं जो मेली रोड होल्डअप उसके करने के बाद और उसके बाद लोगों के साथ लूटपाट करते थे। उनकी प्रक्रिया ये थी कि एक रस्सी बांध देते थे, उस रस्सी को आते ही खड़ा करते थे जिससे व्यक्ति गिर पड़ता था। अपनी मोटरसाइकिल या किसी साइकिल से जा रहा हो, जनरली मोटरसाइकिल के साथ ये कार्रवाई करते थे, तो उसके बाद उनके साथ लूटपाट करते थे और उनकी मोटरसाइकिल वगैरह लेकर भाग जाया करते थे। इस घटनाक्रम में ये चार लोगों के नाम सामने आए हैं, एक तो सत्तार, दूसरा हिमांशु, चौथा अशरफ अली और तीसरा सुरेंद्र। ये चार लोग हैं जो चारों नूरपुर के ही रहने वाले हैं और इनके साथ ये घटना करते थे। कुल मिलाकर अब तक तीन घटनाओं की स्वीकृति तो इन्होंने कर ली है और आठ जो अपराध हैं इनका इनके ऊपर नाम पे पहले से पंजीकृत हैं। तीन अपराध जो इन्होंने किए हैं वो नूरपुर और धामपुर क्षेत्र में हैं। पहला जो नूरपुर में किया था उसमें इन्होंने एक दंपत्ति को लूटा था और उसके उनको काफ़ी चोट भी आई थी इस घटना में, रस्सी से ही गिराया था उनको। और अन्य दो घटनाओं में धामपुर में इन्होंने दो मोटरसाइकिल लूटी थी, 20,000 रुपये लिए लगभग थे और एक आधार कार्ड की बात आई थी। इनके पास से जो कुल बरामदगी हुई है, धामपुर क्षेत्र में लूटी गई दोनों मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हो गई हैं। नूरपुर क्षेत्र में जो इनके साथ चोरी हुई थी, इनकी लूट हुई थी, उसमें जो पैसा गया था उसमें से लगभग 10,000 रुपये, दो तमंचे, दो चाकू और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि आपके सामने हैं, यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। ये बहुत अच्छा गैंग था जिसमें घटना के समय से ही इनका नाम प्रकाश में आ चुका था, लोकल गैंग थे इसलिए प्रकाश में आ चुका था मुखबिरी की सहायता से, इसलिए उसी समय इसमें 2,500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अब तक चार लोगों के नाम जब प्रकाशित हुए, ये चारों 2,500 रुपये के इनामियाँ हैं, तो ये 2,500 के चार इनाम घोषित किए गए लोग पकड़े गए हैं। बहुत अच्छा कार्य हुआ है, इसके लिए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और नूरपुर धामपुर की टीम को हम 5,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा करते हैं। Thank you.